नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 7 के हिस्ट्री एंड सिविक्स में हिस्ट्री लेसन नंबर 2 इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इस लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके इसके क्वेश्चन आंसर बाहर कर सकते हैं। ये है लेसन नंबर 2 इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, उसका एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेम द फॉलोइंग, उसमें सब फर्स्ट है द क्वीन ऑफ गोंडवाना, कौन थी, रानी दुर्गावती। सेकंड द सन ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप। थर्ड द फाउंडर ऑफ मुगल डिसेंट्री, बाबर। फोर्थ द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहमनी किंगडम, हसन गंगू। फिफ्थ द फाइटिंग फोर्स एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, खालसा दल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द ओड वन आउट, फर्स्ट सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, बाबर। इसका ऑड वन आउट क्या आएगा, बाबर। सेकंड आदिल शाही, निजाम शाही, सल्तनत बरीद शाही, इसमें आएगा सल्तनत। थर्ड अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगजेब, इसमें आएगा शेरशाह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, आंसर ब्रीफली, उसमें से फर्स्ट है हाउ डिड द किंगडम ऑफ विजयनगर एंड बहमनी इमर्ज। द आंसर इज फर्स्ट देयर वेयर मेनी रिवोल्ट इन द साउथ अगेंस्ट द वीक सेंट्रल पावर ऑफ डेली। सेकेंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द तुगलक एम्पायर बिगेन ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद तुगलक। थर्ड द फॉर्मिडेबल रिवोल्ट लेड बाय हरियर एंड बुक्का लेड टू द इमर्जेंस ऑफ विजयनगर किंगडम। फोर्थ द फॉर्मिडेबल रिवोल्ट लेड बाय हसन गंगू लेड टू द इमर्जेंस ऑफ बहमनी किंगडम। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाट रिफॉर्म्स डिड महमूद गवान मेक। द आंसर इज फर्स्ट महमूद गवान द चीफ वजीर इन द बहमनी किंगडम स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग सोल्जर्स इन कैश इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट्स। सेकंड ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी। थर्ड ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फोर्थ ही ओपन्ड अ मदरसा एट बिदर फॉर अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाई डिड इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर द मुगल्स टू स्ट्रेंथ देयर बेस इन असम। द आंसर इज द मुगल्स वेयर इंगेज इन अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट विद ओम्स इन द रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सेकंड द ओम्स यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गदाधर सिंह। थर्ड कमांडर लचित बोरफुकन गेव एन इंटेंस रेजिस्टेंस टू देम। फोर्थ द ओहम यूज्ड गुरिल्ला टेक्निक इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स एज अ रिजल्ट इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर द मुगल्स टू स्ट्रेंथ देयर बेस इन असम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, राइट अबाउट देम ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट कृष्ण देव राय। द आंसर इज फर्स्ट कृष्ण देव राय असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE। सेकेंड ही कंकर्ड एंड अनेक्स्ट विजयवाड़ा एंड राम महेंद्री टू हिज किंगडम। थर्ड He defeated the combined forces of Bahmani Sultan led by Mahmud Shah. Fourth, he was a capable ruler and a great general. Fifth, he was a great scholar and wrote Amukt Malyada, a compendium on polity in Telugu. Sixth, he built beautiful Hazar Mandir temple and Vitthal temple. Now next, second Chand Bibi. The answer is first, Chand Bibi was a capable daughter of Hussain Nizam Shah of Ahmednagar. Second, she bravely defended Ahmednagar fort against the Mughal attack in 1595 CE. Third, however, the internal strife in the court of Nizam Shah resulted in the murder of Chand Bibi. Fourth, this led to the capture of Ahmednagar fort by the Mughals. Now next, third, Rani Durgavati. The answer is first, Rani Durgavati belonged to Chandel Rajput family. Second, she became queen of Gondwana after her marriage. Third, she was an excellent administrator. Fourth, after the death of her husband, she fought for a long time against the army of Akbar. Fifth, she did not surrender and died on the battlefield while fighting against the Mughal army. Now next question karte hain. Fifth, give reasons. First, the Bahmani kingdom disintegrated into 5 fragments. The answer is first, factionalism among the Bahmani sardars increased after the death of Mahmud Gawan. Second, the conflict with the Vijayanagar kingdom had an adverse effect on the Bahmani kingdom. Third, the provincial governors began to act more independently. All these factors led to the disintegration of the Bahmani kingdom into 5 fragments. Now next, second, Rana Sangha's army was defeated. The answer is first, after the battle of Panipat, Rana Sangha of Mewar had brought together all Rajput kings. Second,
A battle was fought between Babur and Rana Sangha at Khanua. Third, however, Babur's artillery and reserve forces played a key role in the battle. As a result, Rana Sangha's army was defeated in the Battle of Khanua. Now next, third Rana Pratap has become immortal in history. The answer is first, Maharana Pratap of Mewar continued the struggle for existence. Second, he gave a valiant fight to Akbar to maintain the independence of Mewar. Third, hence Maharana Pratap has become immortal in history for his valor, courage, self-respect and sacrifices. Now next, fourth, Aurangzeb imprisoned Guru Tegh Bahadur. The answer is first, Guru Tegh Bahadur was the ninth guru of the Sikhs. Second, he strongly protested against Aurangzeb's policy of religious intolerance. Third, hence Aurangzeb imprisoned and beheaded Guru Tegh Bahadur in 1675 CE. Now next, fifth, the Rajput fought against the Mughals. The answer is first, Aurangzeb failed to secure cooperation of the Rajput due to his expansionist policy. Second, he annexed Marwad after the death of Rana Jaswant Singh. Third, Durga Das Rathod crowned Ajit Singh, the minor son of Jaswant Singh, and fought against Aurangzeb for the survival of Marwad. Now next question karte hain. Sixth question mein kya diya gaya, complete the timeline. Yahan pe aapko timeline yahan pe fill karna hai. 1336 CE mein kya hua tha, establishment of Vijayanagar kingdom. 1347 CE mein kya hua tha, establishment of Bahmani kingdom. 1509 CE mein kya hua tha, Krishna Dev Rai ascended to throne of Vijayanagar. 1526 में establishment of the Mughal power. So friends, आज हमारा यहाँ पे ये lesson का exercise complete हुआ. दोस्तों आप लोगों का ये video कैसा लगा आप लोग comment box में जरूर लिख करके बताइए. इस video को ज्यादा से ज्यादा like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए ताकि उनको भी question answer मिल सके, और इस channel को subscribe कीजिए.